हेलो एंड वेलकम, मैं हूं हरजोत कौर। बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की करेंगे और खासतौर पर हम कमिंग इनटेक नवंबर इनटेक पर फोकस करने जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अप्लाई करना है हर चीज को समझ सकें, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और वैसे भी अब नवंबर इनटेक की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग जरूर आ रही है, क्योंकि ठीक है काफी टाइम हो गया पीछे, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट लग रहा था, लेकिन अब ट्रेंड इस तरह का दिख रहा है कि नवंबर इनटेक में वीजा की भरमार रहने वाली है। तो आप भी जरूर वीजा हासिल करने वालों में से एक हो सकते हैं, लेकिन किन बातों का ध्यान भी आपको जरूर रखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले भी। तो आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडी स्क्वायर एजुकेशन से एक्सपर्ट काउंसलर अदिति शर्मा हमारे साथ हैं। हेलो अदिति। हाय। तो अदिति जरूर बताइए, अभी तक स्टूडेंट जो अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं नवंबर इनटेक के लिए, कब तक अप्लाई कर देना चाहिए? और अगर हम बात करें अलग अलग, जैसे कि कोई आर्ट स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, किन किन बातों का ध्यान रखकर ही उनको अपना कोर्स सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए? थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन। एंड आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसके लिए मतलब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि कोई हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा मतलब डेप्थ में नॉलेज दे। तो मेजरली अगर हम नवंबर इनटेक की बात करें तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। ठीक है, जुलाई अगस्त ये जो दो महीने हैं, इसमें अगर बच्चा एप्लीकेशन डाल दे तो वो आराम से नवंबर को इनटेक को गो थ्रू कर सकता है। तो मेजरली आप हमेशा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा ग्रांट और प्रोसेसिंग टाइम की, हमेशा आपने देखा होगा एक महीना, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का ऑटो ग्रांट भी आता है, बट इन केस ऑफ वेरी बच्चों का मतलब कई बच्चों की किस्मत भी अच्छी होती है, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को हफ्ता लग जाता है, कहीं को महीना लग जाता है, कहीं को 15 दिन लग जाते हैं। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, तो मेजरली अगर मैं बात करूँ डिफरेंट कोर्सेज की, तो कैसे कैसे किन किन स्टूडेंट्स को कैसे कैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो मेजरली फर्स्टली मैं बात करूँगी आर्ट स्टूडेंट्स की। मेजरली जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं, आई नो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं कि हमारे लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, बट डोंट वरी। सो सबसे पहले मैं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगी, येस ऑस्ट्रेलिया मेजर 3 और मेजर 4 देख रहा है ज़रूर, बट जब आप प्लस 1 में हैं या 10th में हैं, है ना, तो आप बहुत वाइजली अपना जो भी आर्ट स्ट्रीम भी अगर आप ले रहे हैं तो बहुत वाइजली अपने कोर्सेज चूज़ करें। सपोज़ करो जो इंग्लिश कोर्स है वो हमेशा मेजर कोर्स के अंदर आता है। ठीक है, सेकेंड कोर्स आप साइकोलॉजी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ठीक है, एंड एक्स वाई जी, सो दैट कि आपका स्किल्ड जो भी आगे एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर आपका पूरा पार्टिसिपेशन रहे। बिकॉज जो इकोनॉमी वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन गो फॉर इकोनॉमिस्ट कोर्स। ठीक है, जो साइकोलॉजी लेते हैं वो मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग, इन सब चीज़ों में फिट हो जाते हैं बहुत अच्छा, एंड बहुत अच्छा वेजेस भी अर्न करते हैं। तो आई थिंक आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को बिफोर लाइक चूजिंग देयर सब्जेक्ट्स बहुत वाइजली उनको डिसीजन लेना चाहिए फॉर द आर्ट्स बैकग्राउंड। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कमर्स बैकग्राउंड, फॉर कमर्स बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, देर आर मेनी कोर्सेज विच कम अंडर स्किल शॉर्टेज लिस्ट। जैसे मैं बात कर रही हूँ अकाउंटेंट्स की, ठीक है, अकाउंटेंट जो प्रोग्राम है, ठीक है, जिनकी जो एक प्रॉपर एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया, ACA कहते हैं जिसे, तो ये बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है ऑस्ट्रेलिया में। जो भी बच्चा अकाउंटेंसी के लिए गया है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, उसको PR बहुत ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आजकल डेटा एनालिस्ट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, ये जो डेजिग्नेशन है बहुत बूम पे हैं। तो अगर बच्चा कमर्स फील्ड से है तो वो ऐसे कोर्सेज ले सकता है जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो इसमें बहुत स्कोप है। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात करूँ साइंस फील्ड की, तो साइंस फील्ड इज ऑलवेज वेरी एवरग्रीन फील्ड। ठीक है, अगर मैं साइंस की मैं बात करूँ मेडिकल फील्ड की, तो बच्चे सिर्फ हमारे जो इंडियंस हैं वो ये सोचते हैं कि वी ओनली हैव टू गो फॉर नर्सिंग, बिकॉज नर्सिंग का बहुत स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिथ विच इज़ लाइक हमारे अंदर है। तो मेजरली अगर बच्चों ने मेडिकल लिया हुआ है तो दे कैन गो फॉर लाइक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड कोर्स। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में जा सकता है बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड में जा सकता है। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट
फिजियोथेरेपी वाले कोर्सेज में जा सकता है, कोई स्पेशलाइज्ड, आजकल रेडियोलॉजी कोर्स का बहुत बूम है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड ये रेडियोलॉजी के अंदर आता है सब कुछ, एक्सरे ये सब, तो ये बहुत बूम पे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी ये चाहता है कि उनके पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकें, क्योंकि लेबर्स तो हर जगह रहते ही हैं, ठीक है, बट दे वॉन्ट देयर इकोनॉमी टू बी बूस्टअप, ठीक है, सो दे वॉन्ट वेरी क्रीम प्रोफाइल्स, क्रीम स्टूडेंट्स, जो कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बस कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो या साइंस बैकग्राउंड से ही हो, वो डिफरेंट कहीं से भी आ सकता है, बट स्टूडेंट के पास स्किल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोरियोग्राफी की, डांसिंग की, तो इनका भी बहुत स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हमें लगता है कि बस पढ़े, मतलब जो पढ़ने वाला जो टेक्निकल फील्ड है उसी का स्कोप है, बट नो, दिस इज़ अ मिथ। तो अगर आप स्किल शॉर्टेज लिस्ट ओपन करके देखेंगे, उसमें आपकी कोरियोग्राफी, प्रॉपर जो कैमरा पर्सन होता है, उन सब की पीआर का प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि उनको भी आराम से मिल जाती है। तो जो भी आप कोर्स के लिए जाओ वो स्किल्ड हो, बस वो एक पर्टिकुलर टेक्निकल आपके पास स्किल हो जो कि आप बाद में फ्लॉन्ट कर सकें या फिर मतलब उसमें अच्छी आप जॉब हासिल कर पाएं। जी बिल्कुल, तो आपने जाना कि ढेर सारी लिस्ट है, और ये नहीं कि जैसे कुछ हम देखते हैं कि एक ही तरह के कोर्सेज में स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं लगातार और एक ही जगह एक ही तरह के कोर्सेज की भीड़ लग रही है, लेकिन जैसे कि बताया है अदिति शर्मा ने कि कितने ढेर सारे अलग अलग जो है रास्ते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, अच्छे चांसेस आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं एक अच्छे काउंसलर की पहले तो पहचान कीजिए, वहाँ जाएँ ताकि वो आपको ढेर सारी ऑप्शन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर सके। तो आज हमने थोड़ी सी कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा बता सके, लेकिन आप डिटेल में अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अगर जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली नवंबर इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जहां पर आपका मन भी लगे, आप अच्छे ढंग से कर भी सके और उस लाइन में आगे चलकर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके और आगे चलकर पीआर में भी आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, या फिर स्टडीज केयर एजुकेशन के चंडीगढ़ ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। वैसे जालंधर और लुधियाना में भी इनके ऑफिसेज हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट काउंसलर अदिति शर्मा जी को मिलना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ ऑफिस में ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक्स अदिति जी, इन पूरी सारी जो आपने बातें बताई हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर किया है कोर्सेज को लेकर, और आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। थैंक यू।